आर्यन खान को बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिवसेना नेता, एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की भी मांग। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में याचिका दायर की है और आरोपियों के मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। आगे इस मामले में गिरफ्तार आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। शिवसेना नेता ने अपनी याचिका में आगे लिखा है कि इस ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। याचिका में इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। फिलहाल आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है। उनके वकीलों ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में जमानत की याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट अपना फैसला 20 अक्टूबर को सुनाने वाला है। बता दें कि इस मामले में आर्यन खान के अलावा मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जयसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ NDPS कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आर्यन खान की बात करें तो उन पर आरोप है कि वे ड्रग्स लेने और बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। NCB के मुताबिक आर्यन रेव पार्टी में अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ ड्रग्स लेने वाले थे। अरबाज के पास से 6 mg नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे।